तो राकेश जी थोड़ा अपना अपने बारे में बताइए, शुरुआत का जो दौर था आपका अभिनय का और अभी तक का जो दौर है, आगे जो आपका प्लानिंग है करियर को लेकर, उसके बारे में कुछ बताइए क्या करना चाहेंगे। सर मेरा दौर एक ही रहा और मुझे दूसरा कुछ नहीं समझ में आता है। मैं 2006 से, मेरा 2006 में पहला एल्बम रिलीज हुआ था वो मुझे याद है। 2006 में पहला एल्बम मैं गाया था, बट गायन के क्षेत्र में मैं 2003 से ही हूँ, 3 या 2 से। उस टाइम मैं बच्चा था, 11-12 साल की एज होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको। उस दिन से अभी तक मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक सिंगर हूँ। आज भले आप लोग के आशीर्वाद से एक एक्टर भी हूँ, इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हुआ। और जीवन के संघर्ष में चाहे हालात कुछ भी हो गए, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि हमने जीवन का जितना दौर देखा है, क्योंकि हर इंसान देखता है, तो उसको बार बार मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि लोग आजकल कमेंट में नीचे गाली भी लिखते हैं कि भाई ज्यादा भावनात्मक करके क्या चाहते हो, भावना बटोरना चाहते हो। आजकल ये नया नया ड्रामा हो गया है ना भाई, लोग इंजीनियर भी तो हो गए हैं दिमाग के। वो आपके कमजोरी और आपके मजबूरी पे भी सवाल उठा देते हैं। तो मुझे कमजोरी मजबूरी नहीं सुनाना है, लेकिन मुझे एक बात बोलना है कि ऑलवेज माँ सरस्वती का रिस्पेक्ट है, माँ वैष्णो देवी महादेव जिसने पैदा किया है, और मेरे ब्लड में बस एक ही चीज़ है, वह है सरगम और संगीत। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की दुआ से मेरे मरने के दिन तक मेरे साथ रहे। क्या आप पवन और खेसारी लाल को लेके कुछ बोल रहे हैं, क्या है मतलब? नहीं सर, ये आपका थॉट हो सकता है, मेरा किसी के लेके बात नहीं है। मेरा डायरेक्ट बात क्या है, अगर हमारे मेहनत से किए हुए चीज को अगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से भी, आप किसी का कैसे भी बोल सकते हैं, कहीं से भी कोई डिस्टर्बेंस हो गया, चीजें मान लीजिए अभी हमारी 4 घंटे में आपको दिखी कि अच्छे खासे पोजीशन में है, और 7 घंटे बाद अब जय श्री राम हो गए, पता तो चलता है ना, कॉमन सेंस है ना थोड़ा बहुत, इतना थोड़ा कि नहीं समझदारी है। तो मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि जो मेहनत किया हुआ चीज है कम से कम उसको छेड़छाड़ ना किया जाए, जो नहीं है वो तो नहीं है। किसने किया छेड़छाड़? अब सर किसने किया, आज डिजिटल के जमाना पे के कहां से करत जात नहीं रुआ पर खोली में देखे, क्योंकि पोतो बा के कहां बैठल बा, ऐसा तो लोग ट्रेन में बैठ के खेला कर दी तार पोते ना चली। किस गाने का जिक्र कर रहे हैं आप? गाना राजा जाइना बहरिया। किसे रोका गया? अरे जब ये पहले दिन रिलीज हुआ तो सर आपको पता भी नहीं है ये गाना, आप जानते हैं इसकी सच्चाई? लोग बोलते हैं ना, या कोई भी बोलता है, या कमेंट बहुत तरह से आते हैं, आप तो मीडिया है, आप तो सब जानते हैं दिन रात। एक तो बोला जाता है कि भाई ये ना इसको पब्लिक ने भाई चाहा। मैं सर सच में बोल रहा हूँ, राकेश मिश्रा के सांस भी निकलेगा ना तो मुझसे कर्जा नहीं दिलाएगा इस पब्लिक का, क्योंकि जानते हैं आज डिजिटल के जमाने में 2 दिन में गाने को हिट और फ्लॉप किया जाता है। अगर पहले दिन मिलियन नहीं आया तो आप फ्लॉप गायक हैं, और पहले दिन मिलियन आ गया तो आप हिट गायक हैं। लेकिन इस गाने का पहले दिन का व्यू जानेंगे आप, आपको जानकारी है, पहले दिन ही ये गाना वीडियो रिलीज हुआ था तो 7 लाख उठाया था, और 7 लाख के बाद ये गाना 20,000 उठाने पर मजबूर हो गया। अगर आप में जज्बा है और आपको देख रहा है ईमानदारी से लोग, ये जनता ईमानदारी से उस गाने को सुन तो रही थी ना एक एक करके, लोगों को जब ही पसंद आया, पसंद तो आया ना, बात पसंद की है, बात है कि चीज अच्छा है तो उसका टाइमिंग नहीं है कि वो 2 दिन में निकलेगा कि 2 महीने में निकलेगा। आप अपना कर्म बेहतर कीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। छेड़खानी नहीं होती तो मिलियन कहाँ तक पहुँचते? अब सर नहीं होती, हमारे अगर वो लॉन्गी ना मरती तो हम कितना तेज दौड़ती, तो हमारे डिपेंड रहे अब तो बतिए अलग बात, ये तो नहीं होती या प्रश्नवाचक चीन में तुम खाल सारा खेले बढ़ा जाए। 175 मिलियन के बाद भी आप नाराज हैं, ये आपका कहना है, क्योंकि दोनों बात आप ही कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि राकेश जी सच्चाई को बोलिए, इस गाने के साथ आपके साथ क्या हुआ, दूसरी तरफ बोल रहे हैं नाराज भी हैं। तो बताइए जब आप ही हमको सस्पेंस में डाले हैं कि हम क्या बोले, तो और लोग तो हमको गाली देंगे तो कौन सा गलत दे रहे हैं? आप मीडिया है, आप इतने समझदार हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि मिर्चा, एक तरफ लड्डू है, हम क्या करें? तो 175 मिलियन नहीं, ये 1,075 मिलियन होगा ना सर, फिर भी वो पहला दिन मुझे याद होगा। और फिर भी ये जो दर्शक बंधु हैं उनको मैं जितना धन्यवाद दूं कम है कि भाई साहब डिजिटल जमाने में 3 महीने बाद गाने को एक नेशनल लेवल पे हिट कराना, ये हमारे आपकी बस की बात कहाँ है, हम तो जानते भी नहीं था कब बजा, जब शुरू हो गया तब पता चला कि बज रहा है। राकेश जी राजस्थानी जाई ना बहरिया किसने लिखा है और कैसे प्लानिंग हुई थी, जरा कुछ बताएं उसकी पुरानी बातें जो याद हो आपको लिखते समय की। राजा जाई ना बहरिया जो है वो आ रहा एक बंद कमरा में, जिनकी हालात नहीं रहे, प्रोग्राम में कुछ मिलत ना रहे, ठन ठन गोपाल रहे, महाल माहौल पता चल दरवाजा में क्लियर है नहीं, मतलब अचानक मुंह में एक टोन आया, तो हुआ कि यार धुन अच्छा लग रहा है। फिर एक दो लोग आसपास बैठे होते हैं जो अपने घर जवार के होते हैं, मैंने पूछा यार कैसा लग रहा है, सबने बोला लागत तो ब्यास बढ़िया में, लेकिन बुझात नहीं है कैसे तार, टाइम ठीक नहीं जो जो सच है वो सच है, मैं क्या बोलूँ। अब इतना लाइन सुनने के बाद मैं कुछ बोला नहीं, फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक लागत तो हाँ,
मैंने फटाफट उसको रेडी किया और म्यूजिक डायरेक्टर जो हैं एडीआर भाई उनको मैंने भेजा। मैंने बोला क्या ये हो सकता है, तो जब सुने तो बोले कि भैया करें कुछ बात तब आ, लेकिन उस मिजाज में आपको गाना पड़ेगा। हम बोले आप वो टेंशन छोड़ दीजिए, आप खाली बना लीजिए तगड़ा। आया आया, रिकॉर्ड भी होगा उसके बाद सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको। जब रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर दिए और मैंने जब भेजा एक अपने किसी मित्र को सुनने के लिए, कहते कि का गवाला यह गवाला है घंटा गौले बड़ा भोकस लिखा लगा था। अब हमारा और मन थोर हो गया कि जहाँ जो एगो तनी मनी उम्मीद जागर है वो गए। जब गाना फाइनल मिक्स होके आया सर, वाकई जब गाने का लाइन सुना ना, पहले मैं थोड़ा सोचा कि क्योंकि देखिए मुझे बोलने में क्या दिक्कत है, टाइम टाइम की बात है। मुझे उस टाइम लगा कि टाइम अभी नहीं होता है, कि जब अच्छा हो तो कुछ भी सुबह तो अच्छा हो, नहीं तो अच्छी चीज़ भी। मुझे इस बात का डर था कि शायद ये गाना मैं, फिर मेरे माइंड में आया कि ये गाना मैं नहीं गाता हूँ, किसी को दे देता हूँ। ये आज पहली बार ये सच्चाई मीडिया में बोल रहा हूँ। मेरे अंतर मन में आया था कि इतना बढ़िया गाना अगर मेरे से हिट नहीं हो पाया तो शायद मैं दोष दूंगा, शायद किसी को दे देता हूँ। अब किसी को मतलब कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे हो सकता है कोई लोकल आर्टिस्ट हो, कोई अपने जो आसपास दोस्त मित्र गाने वाले हो, क्योंकि बड़े किसी को तो फोन कर नहीं सकता था मैं। फिर मुझे क्या लगा ना कि एगो भोजपुरी में कहा था कि मुर्दा पर 6 मन चाहे 9 मन, अरे मान लग गया असहू स्ट्रगल में कष्ट भोगत तनी एगो ना चली तो ना चली, लेकिन यूज अपने पर कलो। वही हाल है कि बैट्समैन 10 बार आउट हुआ है, अगर हवा बार में शतक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन क्रीज पे चलो। लेकिन सर दुआ है आप लोगों का, और कैसे कैसे बना वो सब छोड़ दी, लेकिन बना तो आज दिख रहा है लोगों को। आपने जिक्र किया कि किसी और को दे देते हैं, आपके अगर राकेश नहीं गाते सॉन्ग को तो फिर वो कौन सा सिंगर है जिधर आप समझते कि भाई बेटर है गाना? सर वो सिंगर शायद कोई कोई ऐसा सिंगर होता जो 10-20-25 गाने गाए हो, या वैसा सिंगर होता जो राकेश को थोड़ा बहुत भैया या मानता हो, या बोलता हो कि भैया कभी मेरे लिए कुछ अच्छा देखिए। ऐसे सिचुएशन में वही आदमी लेते हैं ना, हम किसी बड़े को तो बोल नहीं सकते थे। और मैं एक गाने के लिए और स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूँगा आप सबको, राजा जवान हम लईगा जो कि वर्ल्ड वाइड कंपनी से आया है, तो बहरिया का 2 लाइन आप लोग के लिए। कि मारा जानी जोर दे है भाटे कमजोर राजा, फाटे लागी ना से तोड़े तोड़, हे राजा तानी जाई ना बहरिया। कि टूटत बदन पोरे पोर, हे राजा तानी जाई ना बहरिया। कि हमर नया नया गावना, कि नया तकिया बिछावना, नया चोली के खोली तू बनावल खेलावना। कि मार जनी जोर दे है बाटे कमजोर राजा, फाटे लगे ना से तोड़े तो, ए राजा तनी जाई ना बहरिया। टूटत बदन फोर फोर, हे राजा तनी जाई ना बहरिया। थैंक यू।